हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन हब। और आज हम बात करेंगे कि कटिया के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कटिया VR18 और हायर के कैटेगरी के सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे R21 कटिया V5 R21 इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 और एवब, आपको विंडोज की बात की जाए तो 7 और एवब आपको लगने वाले हैं। विंडोज 10 इज रिकमेंडेड फॉर बेटर फंक्शन। तो अभी हम रैम की बात की जाए तो आपको 2 GB मिनिमम रैम चाहिए होगा। और 4 GB इज रिकमेंडेड। 4 GB हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मिनिमम आपको 2 GB लगने वाला है। विथ 4 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। आपका हार्ड डिस्क में 4 GB फ्री स्पेस रहना चाहिए। जहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे आपका डायरेक्टरी, फाइल डायरेक्टरी जहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे मिनिमम 10 GB फ्री स्पेस होना चाहिए। सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम शुड सपोर्ट 1024x768 रेजोल्यूशन विथ मिनिमम 16 मिलियन कलर्स CPU। तो पिक्सल्स क्या होता है, पिक्सल्स डेंसिटी क्या होता है, आप इंटरनेट पर सर्च मार सकते हैं। और आप अगर बोलेंगे तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसका बता देंगे कि कैसे क्या करना है। तो प्रोसेसर्स की बात की जाए, प्रोसेसर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपको इंटेल i3 एंड अबव लगने वाला है। यहाँ पे ठीक है। और i5 इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर डिजाइन सॉफ्टवेयर। i3 बेसिक है। i5 आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट इज रिकमेंडेड। फिर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं लाइक AMD Ryzen 9 5900X, 3950XP अच्छा सॉफ्टवेयर है। Ryzen 5 3600X दिस इज ऑल्सो अ चीपेस्ट वन। चीप है बट अच्छा है। Ryzen 3 3100 आप यूज कर सकते हैं और आप मैक यूज कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। आपके बजट के ऊपर है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो सिस्टम टाइप की बात की जाए तो इसमें 64-bit प्रोसेसर इंटू 64-bit आपको लगने वाला है। बिकॉज कटिया ओनली रिकमेंड 64-bit प्रोसेसर। तो ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इंटेल का। और NVIDIA ग्राफिक कार्ड आपको मैंडेटरी है। एंड NVIDIA क्वाड्रो आप M200 4 GB DDR5 आप यूज कर सकते हैं और बेटर आप यूज कर सकते हैं। आप NVIDIA का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा बहुत सारे आते हैं। वो यूज कर सकते हैं, मार्केट से यूज कर सकते हैं लेके। तो मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम GTX जो आता है वो भी अच्छा यूज होता है NVIDIA का। क्वाड्रो इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। बट आप अगर जस्ट यूज करना चाहते हैं, जस्ट सीखना चाहते हैं तो डोंट गो फॉर दिस वन। दिस वन इज एक्सट्रीमली यू नो एक्सपेंसिव। आप ले सकते हैं 750 ले सकते हैं। और बहुत सारे आते हैं वो ले सकते हैं। 710 ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। इट डिपेंड ऑन योर बजट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स की विंडोज 7 और उसके अबव चाहिए, विंडोज 10 इज रिकमेंडेड। रैम की बात की जाए तो 2 GB तो मिनिमम लगने ही वाला आपका, 4 GB इज रिकमेंडेड और 10 GB फिक्स फ्री डिस्क स्पेस चाहिए ही चाहिए। एंड मोर हुआ तो अच्छा है। तो सिस्टम सपोर्ट की बात की जाए तो लगभग HD जो आपका रेजोल्यूशन होता है, फुल HD स्क्रीन, वो आपको लगने वाली है। प्रोसेसर की बात की जाए तो i3 एंड अबव आपको, अगर इंटेल का यूज़ कर रहे हैं तो i3 एंड अबव लगेगा। AMD का यूज़ कर रहे हैं तो Ryzen 9 ले लीजिए।
एंड रीजन 9 में इतने सारे दो वर्जन्स अवेलेबल हैं, दो तीन वर्जन्स हैं, इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, सिस्टम टाइप की बात की जाए तो 64 बिट आपको प्रोसेसर लगने वाला है। ओके, ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो आपको डेडिकेटेड चलेगा, इंटीग्रेटेड इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, आई क्लियरली से इंटीग्रेटेड इज नॉट रिकमेंडेड, आपको डेडिकेट ही यूज़ करना है, डेडिकेटेड ही यूज़ करना है, बिकॉज आपको रेंडरिंग करना है। ओके, ग्राफिक सॉफ्टवेयर में तो आपको डेडिकेट लगने वाला है। सो दिस इज नाउ ऑल फॉर टुडे। ओके, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा तो। ओके, कमेंट करें। ओके।